WM ist wieder da und guck mal, wie die Lage in Dick ist. Der Spaß ist auf jeden Fall da und weil die WM ist wieder da. Jeder hört nur einen Ruf und das wäre nur WM und WM. ये शौक हमें 2002 से अपने बड़ों से मिला है, जिन्हें जिन्हें देख के हमने ये पेंटिंग स्टार्ट की है। ये पीपा वर्ल्ड कप आता है तो हम उसे जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं, अपने मोहल्ले को सजाते हैं, अपने गलियों को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले हम ये पेंटिंग स्टार्ट करते हैं और वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले हम ये पेंटिंग वगैरह ख़त्म करते हैं, अपने पूरे मोहल्ले को रंगा रंग करते हैं। हमारे विलेज में फुटबॉल लवर्स कुछ ज़्यादा ही हैं और बहुत पागल हैं फुटबॉल के लिए। फुटबॉल हमारे लिए एक रौनक है, जज्बा है, सूरज का रोशनी है। बल्कि वर्ल्ड कप वत का सुर नौ डोले डिग्गे गलियां विचार चोरे ने मार दा गोले मां का ना शोरे 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 शो तो बिदे मना बोला मराओ दया गोला गोला मदया ने मारे डोला मैं सीए शूटा विच करना च गोला 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 फीफा। ये शौक मुझे यहाँ से आया कि क्यों ना इस पीपा के लिए मैं एक छोटा सा सॉन्ग गाऊँ। तो मैंने सॉन्ग गाया और लोगों को पसंद आया। एक ख्वाब और है कि मतलब अगर मैंने ये रैप गाया तो इंशाल्लाह अगले 4 साल के बाद मैं फीफा के लिए एक और रैप गाऊं। वर्ल्ड कप वत का सुर नौ डोले डिग्गे गलियां विचार च शोरे 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 शोरे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सिद्दीक विलेज मलीर में एक फ़ीमेल ने वॉल पेंटिंग की है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें भी की कि आप एक औरत हो के यहाँ पे रात 3 बजे या 4 बजे तक खड़ी हो के काम कर रही हैं या स्ट्रीट पेंटिंग कर रही हैं। लेकिन इन सब बातों का मेरे ख्याल से कोई तुक नहीं बनता। मैंने ये सब इग्नोर करके अपना काम जारी रखा है, जो कि टोटली 2 मंथ तक वो काम हुआ है। आए 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 आए